and turn on the bell image. रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे अल्लाह पाक का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक आप सबकी दुआओं से तो हाँ जी ये था सुबह सुबह का टाइम और आज का मैं लाग स्टार्ट कर रही हूँ अगेन से मॉर्निंग से और यहाँ पर मैं पी रही थी जीरो वाटर और बस ये मैंने पी लिया था और भी मैं आ गई थी किचन में और गैस नहीं थी और मैं यहाँ पर बना रही थी पराठे तो बस फिर मैंने कहा कि मैं सिलेंडर पे ही पराठे बना लेती हूँ क्रिस्पी से मज़ेदार किस्म के पराठे सर्दियों में वैसे ही बड़े मजे के लगते हैं ना और मुझे वैसे ही पराठे की खुशबू देख के ना बस ऐसे दिल बैठ जाता है ना क्या दिल कैसे बस ना पराठे पराठा अंडा वैसे सर्दियों में ना बड़ा मज़े का लगता है तो बस फिर ना कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा फिर यहाँ पर मैंने अंडा फ्राई कर लिया था और बस यहाँ पर फिर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया सबको नाश्ता मैंने दे दिया था अलहमद से और यहाँ पर मैं अपने लिए बॉइल एग इन्जॉय कर रही थी दो मैंने बॉइल एग बना लिए तो ऊपर ना काली मिर्ची और नमक वगैरह डाल के तो बस यहाँ पर नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था और थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पर गैस करें मैं क्या बना रही हूँ गैस करें आज तो मैं बना रही थी आलू अंडा और यहाँ पर ये यह थे कि साढ़े ग्यारह हो गए थे और गैस का कोई इम्कान है साढ़े ग्यारह नहीं बारह हो रहे थे गैस के वेट में तो बस मैंने कहा कैसा ना टाइम मीनस के भागता जाए और छोटे छोटे ने आना होता है कॉलेज से तो बस मैंने कहा कि वो आएगी तो ना फिर भूख लगी हुई होती है बच्चों को तो बस फिर मैंने कहा कि उसके आने से पहले पहले मैं आलू अंडा बना लेती हूँ सिलेंडर पर सिलेंडर ना बड़ा काम आ जाता है तो बस इसलिए ना मैं सिलेंडर हमेशा फिल करवा के रखती हूँ चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हो, हो तो ये ना मुसीबत में काम आता है <laughs> तो बस यहाँ पर मैंने आलू वगैरह कट करके ऐड कर दिए थे पहले प्याज ऐड किए प्याज ऐड करने के बाद थोड़ा सा जीरा ऐड किया फिर मैंने यहाँ पे आलू ऐड कर दिया सिंपल सा आलू ना तो वैसे भी सबको बनाना आता है आज मुझे ना कुछ समझ नहीं आ जाते कि मैं क्या बनाऊँगा और क्या ना बनाऊँ ना तो क्योंकि छोटे बहन भाई ना खासकर वास से जो है ना छोटा भाई सबसे वो ना सब्ज़ी नहीं खाता तो बस मैंने कहा कि ऐसी चीज़ बनाती हूँ कि वो खा ले तो बस मैंने कहा कि आलू अंडा बना लेती हूँ और यही मेरे समझ में आ रहा था तो बस अंडा भी रखा हुआ था और आलू भी रखे हुए थे बस मैंने कहा कि आज बचत करते हैं थोड़ी सी तो बस यहाँ पर मैंने कहा कि और ये जल्दी भी बन जाता है आलू अंडा इसमें ना कोई ज़्यादा रोला शोला नहीं होता तो बस यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं मैंने क्या कुछ ऐड किया और आप लोग सुनाए कैसी चल रही है आप लोगों की जिंदगा नहीं इधर तो बस आज कल ना मेरी थोड़ी सी बिजी अब रूटीन जा रही है क्योंकि मैंने थोड़ी अब अप अपनी मीन्स के शॉपिंग वगैरह करना स्टार्ट कर दिया अगेन से तो बस थोड़ी ना बिजी जा रही है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं ब्लॉक नहीं अपलोड कर पाती तो बस उस रूटीन की वजह से क्योंकि आजकल कल मैं वेली नहीं हूँ कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान के पास टाइम ही टाइम होते हैं कभी ऐसा था है कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती आजकल मेरे साथ जो ही सीन हो रहा है कि मैं थोड़ी ना बिज़ी जा रही हूँ तो बस क्योंकि बस शॉपिंग की वजह से थोड़ा बहुत इसलिए ना तो है बस यहाँ पर बातों बातों में मेरा आलू भी रेडी हो गया और गैस भी आ गई थी तो बस भी मैंने कहा कि मैं ऊपर आ जाती हूँ तो इसके चूल्हे ऊपर सेट कर लेती हूँ तो क्योंकि सिलेंडर की भी तो बच्चत करनी है गैस आ गई थी तो बस मैंने फटाफट से मैंने करके के यहाँ पर जितना मुझे सोचता मैं सालन बना लूँ जल्दी जल्दी से तो बस यहाँ पर मैंने अच्छे से बुनाई कर ली थी और यहाँ पर मैं पानी ऐड कर दूँगी कवर करके कर रख दूँगी पानी अच्छा इतना ऐड करना है आपने कि आलू आपके गल है बहुत ज़्यादा ना हलवा ना बने फिर पैसे ना लुक खराब हो जाती है आलू आपके ना खड़े खड़े रहें तो बस यहाँ पर मैं आप जितना मुझे नीड होगी मैंने वन कप पानी ऐड कर दिया था आप लोग देख सकते हैं बहुत ही कम मैंने पानी ऐड किया है तो मैं इस, इसको मैं कवर करके रख दूँगी और फिर बाद में आपसे मिलती हूँ और बस यहाँ पर ये देखिए ये छोटा भाई बैठा हुआ था और ये पैसे अकाउंट करवा रहा था अच्छा ये एकेडमी जाता है मीनस के सुबह के टाइम ये वेला होता है घर में ही होता है तो बस ये बैठा हुआ था और कह रहा था कि मेरे पास इतने पैसे हैं मैं ना बहुत ज़्यादा अमीर हो गया हम बताओ आपको ना क्या चीज़ ले कर दो मैंने कहा मेहरबानी है मुझे कोई भी चीज़ मत ले कर दो ना तो बस यहाँ पर कह रहा था कि मेरी वीडियो भी बना लो सबको पता चला कि वहाँ से पास कितना पैसे है वहाँ से कितना अमीर है मैंने कहा अच्छा सफ़र करो तुम <laughs> तो बस ऐसे ही तो क्योंकि इसके ब्लॉग वगैरह इसके फ्रेंड वगैरह और टीचर्स वगैरह देखती हैं तो बस इसलिए ना ये थोड़ी ना एक्स्ट्रा शोफिया मारा था जोरों की तरह जोर की ऐसे ना शोफिया मारता है जब कोई बंदा आ जाता है ना घर में तो वैसे शोफियाँ मार रहा होता है तो बस यहाँ पर ये देखिए हमारे आलू गल गए थे और यहाँ पर मैं दो आधा अंडे ऐड कर दूँगी इसमें अंडे मैंने पहन के ऐड किए थे सॉरी दो नहीं थे मेरे पास तीन रखे हुए थे मैंने वो ऐड किए थे आपके पास दो हैं तीन हैं जितने भी हैं आप ऐड कर सकते हैं वो आपके ऊपर है जितना आपको टेस्ट पसंद है अंडों का और यहाँ पर अंडे ऐड करने के बाद मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और लास्ट में हरा धनिया ऐड करके थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड करूँगी और कवर करके इसको रख दूँगी और ये जो सब्ज़ी है ना वैसे सब्जी सारी पराठे के साथ मज़े की लगती है ये भी सब्ज़ी ना खासकर पराठे के साथ बड़ी ना मज़े की लगती है क्रिस्पी क्रिस्पी से पराठे हो और फ्रेश फ्रेश सा अंडा लो गर्मा गर्म दे दो ना बस मज़ा आ जाता है मेरे मुँह में पानी आ रहा है इस टाइम तो बस यहाँ पर मैंने ये बना ली थी सब्जी और यहाँ पर ये देखें हमारे मौसम का जो सर्दियों का मीन्स के ऑरेंज फ्रूट फर्स्ट मीन्स के मैं आप ट्राई कर रही हूँ और मुझे माल्टे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है अच्छा मीन्स के कुछ लोगों को ना फ्रूटर बहुत सारे इनके नाम है मीन्स के टेस्ट में भी इनका फर्क होता है बट बट मुझे ना माल्टे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो भाई ने मुझे कॉल की थी कि मालटे रहूँ या फ्रूटर या किन्नू वगैरह इस तरह का मैंने कहा नहीं बस मुझे माल्टे ही चाहिए और बस यहाँ पर हम लोग इन्जॉय करते हैं और इनकी ना जो खुशबू होती है ना आए हाय मज़ा आ जाता है माल्टों के ना मुझे खुशबू बड़ी पसंद है और बस यहाँ पर नमक रखा हुआ था और मैंने ना कटोरी उठाने की जहमत नहीं की थी मैंने कहा कि वो जार वाला जो ना मीन्स के पूरा फातमा ना छोटी सिस्टर जार ले आई थी तो मैंने उसके ढक्कन में नमक डाल के बस मैंने कहा कि इसी में ही बस बैठ के खाते हैं और वैसे ना माल्टे खाने का ना गर्मियों में मीन्स के धूप में बैठने का मजा आता है बट अच्छा इस डक्कर को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैंने कहा ना कटोरी नहीं उठाई थी नमक के लिए बस मैंने कहा किसी में खा लेती हूँ और धूप में ज़्यादा मजा आता है माल्ट खाने का मुझे खाने का इस तरह की चीज़ें खाने का बट क्या हुआ कि ना हमारे घर धूप नहीं आती नीचे तो बस हम ना रूम में ही बैठ के खा रहे थे और मैं कहते तो कोई कुछ लोग होते होंगे बेजौक से जिन्हें माल्टे नहीं पसंद होते होंगे और उन बेजौक लोगों में मेरे भाई का पहले नंबर पर उनको माल्टे इतने नहीं पसंद बट मैर बहुत ज़्यादा शौक से खाती हूँ छोटे बहन में बहुत ज़्यादा शौक से खाते का हैं काला नमक डाल के ना ये तो और ज़्यादा मज़े के लगते हैं और ना हल्की हल्की धूप निकली हुई हो और माल्टे रखे हुए हों बस तो बहुत मज़ा आता है और माल्टों का जूस भी वैसे बहुत मज़े का लगता है हैर बस आ जाती है उसने माल्टे खाने जो माल्टा लवर्स हैं और बस यहाँ पर माल्टे वगैरह हम खा लेंगे माल्टों की ना हमारी पार्टी चल रही थी इस टाइम और बस यहाँ पर माल्टे वगैरह खा लिए थे और यहाँ पर ना ये टक बिस्किट ना Um, मीन्स के इन्जॉय होता और साथ में यखला को इग्नोर क्योंकि मैं अपना ना सारा सामान वगैरह सेट कर रही थी तो बस तो मैंने कहा कि साथ आसमान ही सेट करती हूँ और ये तीन मैंने बिस्किट निकाले थे खैर एक मेरा था और बाकी छोटे बहन मैं तो और यहाँ पर छोटा भाई रो रहा था अच्छा रो क्यों रहा था ये मुझे ना तंग कर रहा था तो मैं इसको कह रही थी कि जब मेरी शादी हो जाएगी मैं चली जाऊंगी ना फिर तो मेरा पता चलेगा तो बस ऐसे ना वो रोना स्टार्ट हो गया खैर बस यहाँ पर ये बेसन वाली रोटी मैं अपने लिए बना के ले आई थी और छोटे बहन मैं को मैंने अलग से खाना दे दिया था और यहाँ पर मैं खा रही थी बेसन वाली रोटी साथ में मैंने चटनी बना ली थी चटनी पता नहीं मैंने क्यों नहीं दिखाई बट मैंने ना साथ में चटनी भी रखी हुई थी तो बस यहाँ पर आ जाती खानी है और ना ये बहुत ज़्यादा मजे की लगती है मीनस के सॉफ्ट सॉफ्ट सी और ये मैंने विदाउट ऑयल बनाई थी मीनस के बिल्कुल हल्का सा इसमें मैंने ऑयल स्प्रे किया था ज़्यादा मैंने ऑयल नहीं ऐड किया और यहाँ पर मेरा चल रहा था कैा बस ये मेरा लास्ट मील समझ लें लास्ट ड्रिंक समझ लें तो बस यहाँ पर मैं वीडियो का एंड कर दूँगी इंशाल्लाह से फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग तो में ओके जी अल्लाह हाफिज़